भाई वो कुछ बोल बोल पाता भी है या नहीं बोल पाता है? अमन सर, तुम्हारे को तो मैं सबसे पहले ब्लॉक करने वाली हूँ, क्योंकि तुम तो अपनी माँ को भी यही लिखते होंगे। देखा, मेरे इतना सा बोलने पे लोगों को बहुत मिर्ची लगती है, बहुत ज्यादा मिर्ची। क्यों, ना इनसे कोई लेना ना देना। अब अमन से मेरा क्या लेना देना था? बेफालतू में ब्लॉक हो गया ना। अब ये कोई दूसरी आईडी बनाएगा, वहां से मुझे गालियां देगा, क्योंकि इसको बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन ये जो गाली देगा मुझे, एक एक गाली देगा, तो इसको 1,000 सुननी भी पड़ेंगी। और मेरा मेरा ऐसा कोई पर्सनल भी इनसे कोई बातचीत भी नहीं है, फिर भी ये गालियां देते हैं, फिर भी ये बातचीत करते हैं। मुझे क्या है, मेरे को तो फिर भी, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ। मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? मैं तो किसी दिन इंस्टाग्राम बंद कर दूंगी, फिर कहाँ गालियां दोगे? यूट्यूब पे दो, किसको फर्क पड़ता है? आप लोग देखते हो, प्यार देते हो, वो हमारी एक बहुत खुशी की बात होती है, जब आप लोग हमारे गाने को बहुत ज्यादा प्यार देते हो, इसीलिए हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन ये सब चुतियापा करके भोजपुरी का नाम बड़ा नहीं हो पाएगा। एक रियलिटी मुझे यहाँ पे आके पता चली है, जो मेरे अदर लैंग्वेज के फ्रेंड्स हैं वो यही बोलते हैं कि यूपी बिहार के कमेंट्स कुछ अच्छे होते हैं, कुछ तो इतने बेकार होते हैं कि हमें आने का मन ही नहीं करता, तो उनको हम भोजपुरी में लाने का भी रिकमेंड नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ ये सब चीजें। तो कहाँ से भोजपुरी आगे बढ़ेगी? आज पवन जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, आज उनका कल उनका गाना रिलीज हुआ था, कितने अच्छे, अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया।